सो बेसिकली सैटमैट 2017 में स्टार्ट हुआ था. सैटमैट इनिशियली सैटमैट टेक्नोलॉजीज से स्टार्ट हुआ था. हम लोग एक ही सेगमेंट में काम कर रहे थे, इसमें लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे थे. सो आर मेन मोटो वॉज टू सपोर्ट स्टार्टअप्स. जो स्टार्टअप्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जितनी भी, उनकी कॉस्टिंग काफ़ी हायर होते हैं. तो हमारा जो मोटो था, बेसिकली हम लोग एक ही सेगमेंट में काम कर रहे थे, वो स्टार्टअप्स. मार्केट में कोई भी है जिसे कोई भी प्लेटफॉर्म बनाना, जैसे कि ई कॉमर्स बनाना है, एनी आइडिया ही है जिसके पास, जो भी आइडिया है. तो हम लोग स्टार्टअप्स को सर्विस प्रोवाइड करने में 2017 से शुरुआत की थी. साथ ही में उसके बाद हमने फिर बैंक के साथ टाइप किया. ICICI बैंक के साथ हमारा टाइप हुआ APIs इंटीग्रेशन के लिए. फिर उसके बाद हमने येस बैंक के साथ काम किया. फिर काफ़ी मल्टीपल बैंक्स के साथ हम लोग फिनटेक प्रोडक्ट्स में आ गए. तो फिनटेक मतलब आजकल तो सारे लोग रिचार्ज मोबाइल एप्लीकेशन से कर ले रहे हैं, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे. बट आज से 5 साल सात पहले, जब UPI नहीं था, तब ये चीज़ें होती थी रिटेल से, शॉप टू शॉप जाके करते थे. तो शॉप में हमारा वो एप्लीकेशन तब चलता था, वही सेगमेंट में हम लोग काम करते थे. जिसमें जैसे कि अभी किसी ने पूछा था कि सैटपैट से कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो मोर देन 50 लाख रिटेलर्स आज भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंडर मार्केट में काम कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल पे. अभी उन्होंने सर्विसेज एड ऑन कर लिए, जैसे पहले रिचार्ज होता था, अभी आजकल AEPS चलता है, आधार से कैश विड्रॉल आप उसमें कर सकते हो, पैन कार्ड एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजीज़ में. इसमें हमारे लगभग 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो रिटेल काउंटर पे काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में. दैन लास्ट ईयर हमने सैटमैट फार्मा स्टार्ट किया, जिसमें जेनरिक मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं. पुणे एंड मुंबई हमारा बेसिक मार्केट है, जहाँ पे हमारी ये मेडिसिन वर्किंग है. मोटो यही है, बाकी मेडिसिन और हमारा जो है वी वर्क कमीशन लेस, जिसमें कमीशन नहीं और जेनरिक मेडिसिन में हम लोग काम करते हैं. आफ्टर दैट वी कम टूअर्ड सैटमैट इवेंट्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में हमने काम किया. ठीक है, अभी आजकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स एवरीवन रिक्वायर्ड्स एंटरटेनमेंट, सब लोग बोर हो रहे हैं, IT में काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, लोगों को कॉमेडी शोज और एंटरटेनमेंट चाहिए. तो वही बढ़ती डिमांड के हिसाब से हमने इवेंट्स में लॉन्च किया. एंड अभी हम लोग फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा लॉन्च कर रहे हैं, जो है लेगेसिस्ट. सो लेगेसिस्ट का मोटो यही है कि हम चाहते हैं कि जो अनक्लेम्ड अमाउंट्स है, काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट्स है, LIC के पास हो गया है, कोई भी टर्म इंश्योरेंस के पास हो गया, या फिर आप बैंक अकाउंट की बात करो, या स्टॉक की बात करो, या म्यूचुअल फंड में, हर जगह पर नॉर्मली होता क्या है, काफ़ी सारे लोग हैं जो रूरल एरिया से आ रहे हैं, सिटी में वर्क कर रहे हैं. अभी जनरेशन को पता है, जनरेशन इज अपग्रेडिंग, उन्हें पता चल रहा है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है. लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर सैलरीज, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं. बट एट द रिजल्ट ये चीज़ हो रही है कि उस चीज़ की आज कोई श्योरिटी नहीं है कि जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फैमिली पास तक पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँचेंगे. बहुत सारे अनचीज़ लोग हैं, जैसे कि किसी की बात करें, लड़का आया है पुणे में जॉब कर रहा है, उसकी फैमिली रह रही है एनी सिटी में, रूरल में, उन्हें पता ही नहीं स्टॉक मार्केट क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि अप स्टॉक में होता है या ग्रो में इन्वेस्टमेंट होता है. अगर उसको बाई चांस कुछ डेथ हो जाता है, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ें उनकी फैमिली तक पहुँचेगी. तो उसकी गारंटी हम लोग लेते हैं. एज ऑफ नाउ फ्री एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है. नेक्स्ट ईयर से रिन्यूअल चार्जेस है, 600 रुपये पर साल के चार्जेस है, मतलब 1.5 रुपये आपका दिन का आता है. अफोर्डेबल है, हर छोटा सा छोटा व्यक्ति इसे अफोर्ड कर सकता है और सारी एसेट रख सकता है, जैसे स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गए, आपकी LIC हो गई, गाड़ी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई. और इसके बाद हमने इसमें विल भी लिखने का ऑप्शन दिया है. जो लोग अपनी विल लिखना चाहते हैं कि मैं अगर बाई चांस नहीं रहा तो मेरे बाद क्या होगा, तो वो भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो. बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि उधारी वाले ट्रांजेक्शन होते हैं, फैमिली को इंसान नहीं बताता है कि मैं किसे क्या अमाउंट दे रहा हूँ, किसके साथ मेरा क्या व्यवहार चल रहा है, तो वो चीज़ें भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो. बाई चांस अगर आपको कुछ हो गया तो वो डिटेल्स आपके फैमिली को मिलेगी. इस चीज़ की हम लोग 100% गारंटी लेते हैं. KYC जो हमारा 3 महीने, वो सेल्फ KYC, 3 महीने में आपको कॉल नहीं आने वाला है कि आप जिंदा हो, बिल्कुल नहीं. आपको ऐप में नोटिफिकेशन दिखेगा, आपको KYC करना है कि यस, जस्ट आपको OTP डालना है, दिस इज़ अ हैप्पी KYC, KYC का नाम हैप्पी KYC, जस्ट यू आर हैप्पी, दैट्स इट. अगर आपने KYC नहीं किया तो ही आपको कॉल आने वाला है कि सर आपका KYC ड्यू है. हम उसे नहीं पूछेंगे सर आप जिंदा हो, बिल्कुल नहीं, सर आपका KYC ड्यू है, आपका हैप्पी KYC नहीं हुआ है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा. यही हमारा मोटिव होने वाला है. जब हमें 3 महीने में रिस्पॉन्स नहीं आता है, हमारी कंपनी ने सोचा कि साल भर अगर 6 महीने करते हो तो ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है लाइफ स्पैन के बारे में, तो 3 महीने में अपडेट लेना इज अ गुड थिंग. हमारी बैकएंड और रिसर्च टीम का ये अंदाजा है कि 3 महीने में वेरिफिकेशन करना चाहिए. एवरी 3 महीने का हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड्स रख के करते हैं. और इंश्योरेंस हमारे सारे टाइप्स, यस सर, स्मार्ट ग्रुप में ऐसा क्या ऐप तो बहुत सारे होते हैं, हाँ जी, स्मार्ट ग्रुप में क्या ऐसी चीजें भी लोग उसको लेंगे? देखो, ये एप्लीकेशन जो ये लेगेसिस्ट है, ये सैटमैट का एक प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है. आज तक किसी मार्केट में कोई चीज है ही नहीं. आजकल है, अगर जो बड़े बड़े लोग से उन्होंने क्या किया ना, इंडिविजुअली एडवोकेट्स हायर करके रखे होंगे खुद के, कि हमारी एसेट ये, अगर हमें कुछ होता है तो ये हमारे बंटवारे होंगे, ये हमारी विल है, उन्होंने एडवोकेट्स कर चुके हैं. अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई बेट कि आज तक किसी ने, मतलब किसी के पास कोई गारंटी नहीं, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली के पास आपके एसेट जाने वाली कि नहीं, 100%.
और जब किसी की डेथ हो जाती है, मेन मोटो हमारा ये कि हमारी लीगल टीम उस पर काम करती है, उनके लिए सारी सेटलमेंट करेगी। अब आप बताइए किसी के घर में अगर डेथ हो रहा है, क्या वो पर्सन कैपेबल है कि खुद जाए और ऑफिस के चक्कर लगाए कि ये डॉक्यूमेंट था सर, यहाँ पे मेरे स्टॉक मार्केट में इतनी इन्वेस्टमेंट थी, मैं इसको कैसे गेन करूँ? तो वो उस मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं है तब। तो उसे हम सपोर्ट करते हुए कि आप अब दुख में हो तो आप उसे रिकवर करिए, आप घर पे आराम करिए, हमारी टीम आपके लिए काम करेगी, आपको कहीं ऑफिस में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। सर आपके नेचुरल डेथ होती तो उसको मिलता है सर, अगर एक्सीडेंट डेथ हुई तो उसको मिलता है, जो नेचुरल डेथ जो जी हार्ट अटैक हुआ कैंसर हुआ तो उसके लिए आपकी कंपनी क्या करेगी? डेफिनेटली, देखो टर्म्स एंड पॉलिसीज जो है वो तो सबके लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस ने जो बोला है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो अलाउड ही नहीं है। सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम लोग ऑबे करते हुए जहाँ पे आप सही हो वहीं पे हम लोग आपके साथ कर ले, अगर कोई डिफॉल्ट है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने बोला कि एक्सीडेंटल अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा तो ही उसे बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं है कवर तो सिंपल सी बात है नहीं मिलेगा। वो चीज़ हम लोग प्रमोट भी नहीं करते, हमें जेन्यून चीज़ें करनी है। डेटा जी आने यस, डेटा हमने सारा सिक्योर रखा गया है, काफ़ी सारे हमने आईटी एक्ट को हम लोग फॉलो करते हैं, इवन हमारा सेबी का रजिस्ट्रेशन अभी पाइपलाइन में है, हम लोग ये सारा डेटा सेबी को भी दे रहे हैं विद द परमिशंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट रिकॉर्ड। एक रिसर्च एनालिटिक्स का हमारे पास लाइसेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं। हमारी प्राइवेसी पॉलिसी बोलती है कि हम लोग डेटा किसी को शेयर नहीं करते, एवरीथिंग इज सेफली सिक्योर विद अस। ओके, सो एज टुडे वी आर कंप्लीटिंग आवर 7 ईयर्स. So currently we are launching our new product into market. It's Legacies. So we have know that everyone is investing into market or investing into they have their own assets. So currently market facing some usually very like we can say more issue into market. So that there are around like 50,000 crore plus money is into market that unsettled. So Legacies came across there. We got that problem. So we are solving, or we can say that we are resolving this issue. So that's why we are launching our product Legacist. So more about that, like Suresh can also add some points in it. So basically, as Vinay sir mentioned, about 50,000 crore money is unsettled in the market. Some is in term insurances, some is in stock. So we had our own research team. So our research team did a research on that issue. So according to that, we came up with a solution. Firstly, we launched the same app with the name Beyond Life. But then we got to know, we changed it, we rebranded it, and then we launched it as Legacist. So as today, we are completing 7 years, we are launching the Legacist. So the main part our app will cover is like many people's, like some of you also have invested in markets, but you have not added your nominee to your stocks or mutual funds, like many of us do that. So main part in our app is basically we do the KYC verification of an holder or a user, and then we tend to, like we have done a compulsion to add a nominee to it. So when we add a nominee to it, we do KYC every 3 months. A user is required to do KYC every 3 months. It is compulsion. So when a user does KYC every 3 months, it is okay, no issue. But if the user doesn't do KYC in 3 months, a follow-up team, our follow-up team will call him to know if he's alive or if he's good. So if he's good, KYC is done, no issues. But if he doesn't pick up the call, okay, we'll let that happen. In some 2 days or what, we call him again. And then if the user pick up the call, good, no issues. But if we got to know some uncertain events, like his death has happened or some uncertain events, so in that case, we will call his nominee. Directly, we'll call his nominee. And we will talk to them, like what happened to the user. He registered his all assets in our fund, in our app. And the KYC was scheduled, but he was not able to complete the KYC. So at that time, if the nominee says that some uncertain events has happened to the user, then at that time we will visit the nominee. Then we'll pass on all the details that the user has stored, like term insurances, stocks, etc. So all these things will be handed over to nominee. That's basically what our app is doing. We will also be adding some new features to it as the launch is progressing. So moreover, our server tool. So basically, we all know that, passing away of one of our beloved, a family member is always, we don't like it. So what happens when a family member passes away? We are in such a shock that we don't know what to do. At the same time, if there is a person or a app or, someone to support pass on their legacy to you all. To their family members, it is always good to have that kind of person. So Legacist is basically that person that we will assist you
after you know of a certain family member to pass on their legacy to other family members. So yes, we are currently launching that product of ours, and we will be adding new features, as Suyas said. And you know, once as he explained the entire process, yes, it is very crucial for the person who is using Legacist app to complete their KYC every 3 months. That makes us you know, sure that the person is doing well. But if that person doesn't do their KYC in every three months, we will try to get in touch with them in our first attempt. If he doesn't answer, maybe due to some other reasons, then we will try to connect with them for the second time. If he doesn't answer, if he or she doesn't answer for the second time, then we will try to connect with the nominee. And yes, if the person was unable to attend the call, well and good, we will you know, do their KYC. But in uncertain events, if any uncertain events has happened, then yes, we will get in touch with the nominee, ask them for a, you know, suitable time where a representative from our company will go to their place and, you know, basically assist them, help them in their you know, grieving time, that how to proceed further and how the person who have passed away, their legacy will pass on. Okay, that is the complete idea of Legacist. Basically, we are focusing on a tagline: ensuring your legacy lives on. Lives on.